हेलो एवरीवन, का स्वागत करता हूँ अग्रणी कोर्सेज पावर्ड बाय KSG। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आज प्रीपोजिशन के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज हम देखेंगे ऑन और अपॉन में क्या अंतर होता है। गाइस, वन डे एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो आज हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट को देखेंगे। हम ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं और अपॉन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन की। ऑन क्या है भाई? ऑन का जो मतलब है, मतलब है ऊपर। इसे हम देखते हैं, इसका मतलब हिंदी में अर्थ होगा ऊपर। जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच करे, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को टच करता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तब हम ऑन का यूज करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, ये यहाँ पर बॉल है, एक बॉक्स के ऊपर रखी, तो बॉल बॉक्स के ऊपर है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। दूसरा एक पॉइंट है, जब भी बात हो, कौन सी, जब भी बात हो स्पेशल डे की, तारीख की और किसी अवसर की, तो हम ऑन का यूज करेंगे। मैंने कहा मैं दिवाली पर आपके घर आऊंगा, आई कम ऑन दिवाली। आपने कहा नहीं सर, मैं सोमवार को आपकी कोचिंग आऊंगा, अग्रणी आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे। ओके, तो दिन हो, तारीख हो या अवसर हो, हम लगाएंगे ऑन का यूज। तो अगली बात जो हुई हमारी, जब हम किसी के ऊपर लिखें, अगर मैंने एक किताब भारत के ऊपर लिखी है, तो मैं यही बोलूंगा आई रोट अ बुक ऑन इंडिया। बात समझ में आ रही है? जब मैं किसी के ऊपर निर्भर होऊंगा, ठीक, आई डिपेंड ऑन माय पेरेंट, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। तो ओवरऑल ऑन का यूज हम चार अलग अलग जगह, अलग अलग स्थितियों में करते हैं। तो भाई अपॉन का अर्थ क्या होगा? अपॉन का अर्थ भी ऊपर होता है हिंदी में देखा जाए तो, बट यहाँ बेसिक डिफरेंस होता है कि अपॉन जब भी आएगा, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, मोशन में मतलब अगर यहाँ से ये कैट जंप कर रही है, तो मैं यही बोलूंगा द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। समझ में आई बात? थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। बाय बाय।